दोस्तों हमेशा ट्रक का एक टायर उठा हुआ रहता है। क्यों उठा रहता है ये टायर, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। अक्सर आपने सड़क पर दौड़ते हुए ट्रकों के एक टायर को हमेशा उठा हुआ देखा होगा। पहले तो मैं भी ये समझता था कि कहीं ये स्टेपनी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस टायर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रक पर ज़्यादा लोड होता है, और ज़्यादा लोड होने की वजह से ट्रक का ड्राइवर इस पहिए का इस्तेमाल करता है। दरअसल ट्रक का ड्राइवर अपने हिसाब से इसे उठा या फिर चला सकता है। जब ट्रक में लोड ज़्यादा होता है तब इस टायर को नीचे करना होता है, इससे ट्रक की लोडिंग क्षमता यानी कि भार उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं जब ट्रक खाली होता है तो इस टायर को ऊपर कर दिया जाता है, इससे ईंधन की बचत भी होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रक में कितने टायर होते हैं। ट्रक में कितने टायर होंगे इस बात का निर्णय होता है ट्रक कितना वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम ट्रकों का वर्गीकरण देखें तो हम इन्हें इनके द्वारा उठाए जाने वाले लोड के अनुसार कई श्रेणियों में डाल सकते हैं। जैसे कि SCV यानी कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, ये छोटे व्यवसायिक गाड़ियां होती हैं जो 3.5 टन के अंदर वजन उठाती है। उदाहरण के तौर पर महिंद्रा का पिकअप, टाटा एस, अशोका लीलैंड आदि। इन ट्रकों में 5 टायर होते हैं। सामान्यतः इनके टायर का साइज 13 से 15 इंच का होता है। अब आता है LCV यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल। ये ट्रक 4-5 टन से लेकर 11 टन तक का वजन उठाते हैं, जिसमें कि टाटा, अशोक लीलैंड, आयशर, महिंद्रा भारत में इन ट्रकों को बनाते हैं। इन ट्रकों में 16x17 का साइज होता है। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि इन ट्रकों में 6 टायर लगे होते हैं, लेकिन इनमें एक स्पेयर टायर होता है, यानी कि कुल 7 टायर होते हैं। अब आता है MCV यानी कि मीडियम कमर्शियल व्हीकल। ये ट्रक 11-12 टन से लेकर 16 टन तक का वजन उठाते हैं। इन ट्रकों में 20 साइज का टायर होता है। इन ट्रकों में भी 7 टायर होते हैं, 6 गाड़ी पर और एक स्पेयर टायर। अब आता है SCV यानी कि हैवी कमर्शियल व्हीकल। 16 टन से अधिक वजन उठाने वाले ट्रकों को हैवी कमर्शियल व्हीकल कहते हैं। इन ट्रकों में 20 साइज के टायर होते हैं, लेकिन मीडियम ड्यूटी ट्रक से इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है। अब इस श्रेणी में जैसे जैसे वजन बढ़ता है टायरों और एक्सेल की संख्या बढ़ा दी जाती है। जैसे 25 टन में 11 टायर होंगे, 10 गाड़ी पर और एक स्पेयर। 31 टन में 13 टायर होंगे, 12 गाड़ी पर और एक स्पेयर। 37 टन में 15 टायर होंगे, 14 गाड़ी पर और एक स्पेयर। तो इस तरह किसी भी ट्रक के लिए एक्सेल की संख्या और उस पर लगे हुए टायरों की संख्या उसके द्वारा उठाए जाने वाले भार पर निर्धारित की जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार।